हेलो नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में भारतीय कला एवं कलागत तत्वों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 60 तक के क्वेश्चनों को देखा था। आज के इस वीडियो में 61 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे, अर्थात 40 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, करुणवत रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? व्याकुलता, बेचैनी, आकांक्षा, मौन। तो करुणवत रेखाएं व्याकुलता प्रकट करती हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? लाल, हरा, नीला, पीला। तो प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग हरा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? लाल, नारंगी, पीला, बैंगनी। तो नारंगी ज्ञान को प्रदर्शित करता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, षडंग का पहला अंग कौन सा है? परमाणु, रूप, भेद, भाव और ऋणिका भंग। तो षडंग का पहला अंग रूप भेद है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है, कलाकृति है। तो सौंदर्य रस निष्पत्ति है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई, ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि या उपर्युक्त सभी। ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, रस्किन का है, क्रोचे का है। तो मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, रस्किन का यह कथन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? केवल देखने के लिए काम आता है, आभासी चित्रण में किया जाता है, केवल आभास कर सकते हैं, सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। तो सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलानम परवरम धर्मार्थ का मोक्षदम किस पुस्तक से संबंधित है? काव्य दर्श से, चित्रसूत्र से, नाट्यशास्त्र से, कामसूत्र से। तो कलानम परवरम धर्मार्थ का मोक्षदम चित्रसूत्र से संबंधित है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 1, 3, 2, अनगिनत। एक पूर्ण चित्र में अनगिनत ग्राउंड हो सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? नेवी ब्लू, पर्सियन ब्लू, कोबाल्ट लाल। तो भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग नेवी ब्लू होता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तेल रंग, पेस्टल रंग, एक्रिलिक रंग, जल रंग। टेम्परा तकनीक में जल रंग का प्रयोग होता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधक किस में प्रयोग होता है? वास में, बाटिंग में, तेल में, पेस्टल में। तो बंधक बाटिंग में प्रयोग होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? राजा भोज, भयजीत, भरत मुनि, सोमेश्वर। तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक राजा भोज हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के प्रेरिता कौन है? यशोधर, कालिदास, भरत मुनि, वात्स्यायन। नाट्यशास्त्र के प्रेरिता
भरत मुनि जी हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? रूप भेद, वर्णिका भंग, प्रमाण, लाभ योजना। वर्ड के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्णिका भंग का प्रयोग किया जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादृश्य का क्या अर्थ है? समविष्ट, सहायता, आकृति में समानता, चित्रांकित। सादृश्य का अर्थ आकृति में समानता, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है, अभिव्यक्ति है, प्रकृति, अनुकृत है। अरस्तु के अनुसार कला अनुकृति है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला एक अभिव्यक्ति है, कथन किसका? क्रोचे का, फ्रायड का, प्लेटो का, अरस्तु का है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन क्रोचे का है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? सादृश्य से, रूप भेद से, प्रमाण से, वर्णिका भंग से। तो भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को प्रमाण से परिभाषित किया जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोमो क्या है? भित्ति चित्र, द्वितीय रंग के टोन है, कोलाज, एक ही रंग के टोन है। मोनोक्रोमो एक ही रंग के टोन है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रण की विधि क्या कहलाती है? माध्यम, पद्धति, तकनीक, लाइजिंग। तो चित्रण की विधि तकनीक कहलाती है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को सेको सूखी तकनीक, फ्रेस्को बुनो गीली तकनीक, ए और बी दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो फ्रेस्को तकनीक ए और बी दोनों हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तीन दिखाई देते हैं, दो दिखाई देते हैं, एक दिखाई देते हैं, चार दिखाई देते हैं। तो दर्शक को घन के तीन तल दिखाई देते हैं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है? टेरिन, बोल्टिंग क्लॉथ, नायलॉन, सिल्क। सेरीग्राफी में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमिंग किसमें प्रयुक्त की जाती है? वास चित्रण में, सेरीग्राफ में, तैल चित्रण में, ओलियोग्राफ में। प्राइमिंग तैल चित्रण में प्रयोग किया जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सिटिव किसमें प्रयुक्त होता है? वास में, तैल चित्रण में, पेस्टल में, स्केचिंग में। फिक्सिटिव पेस्टल में प्रयुक्त होता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर तथा स्टोव किसमें प्रयुक्त होता है? टेम्परा में, बाटिक में, ग्लास पेंटिंग में, वास पेंटिंग में। हीटर तथा स्टोव बाटिक में प्रयुक्त होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न क्या है? खनिज आकार, रेखांकन तकनीक, रंगों की तान, रंग एवं आकारों का पूर्णांकन। पैटर्न रंग एवं आकारों का पूर्णांकन है, डी इज द राइट आंसर। टेक्चर क्या है? तैल आकृति, धरातल का गुण, तकनीक, सही अनुपात। टेक्चर धरातल का गुण है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारकोल किस लकड़ी से बनता है? सागौन की लकड़ी से, चीड़ की लकड़ी से, अंगूर की लकड़ी से, आम की लकड़ी से। तो चारकोल सागौन की लकड़ी से बनता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथारसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्लेटो ने, रस्किन ने, फ्रायड ने, अरस्तु ने। तो कैथारसिस का सिद्धांत
अरस्तु ने प्रतिपादित किया? दिस द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वुडकट छापा चित्रकार ब्लॉक पर रंग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रश का, स्क्रेपर का, कपड़ा का, रोलर का? आधुनिक वुडकट छापा चित्रकार ब्लॉक पर रंग लगाने के लिए रोलर का प्रयोग करते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ा रोलर का इस्तेमाल किस में होता है? लिथोग्राफिंग में, एचिंग में, लिनोकट में, वुडकट में? चमड़ा रोलर का प्रयोग लिथोग्राफी में होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान से भिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं, एक पुंजी रेखाएं, संधि रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं? एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को एक पुंजी रेखाएं कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुंजी रेखाएं दर्शाती हैं नाटकीयता, शिथिलता, संघर्ष, प्रसार? एक पुंजी रेखाएं प्रसार दर्शाती हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रवाह को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखा, समांतर रेखा, क्षैतिज रेखा, संधि रेखा? दो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रवाह को अनुभूत रेखा कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने वर्ड की उत्पत्ति प्रकाश में बताई है? न्यूटन, आइजक ने, चार्ल्स बैबेज ने, ओस्टवाल्ड ने? इनमें से कोई नहीं। वर्ड की उत्पत्ति प्रकाश में न्यूटन, आइजक ने बताई है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल में सम विभाजन का आशय है? तीनों ओर से तल का असमान भार, चारों ओर से तल का समान भार, दोनों ओर से तल का असमान भार, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतराल में सम विभाजन का आशय चारों ओर से तल का समान भार है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सुकरात ने, यूक्लिड ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड ने किया था। बी इज द राइट आंसर। आज के वीडियो में हमने 40 क्वेश्चनों को देखा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।